डियर स्टूडेंट्सिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंडीजन टू फोर टू एंड अबाउट यूर लीडरशिपेक्टिव रिमेंबर अपॉन द टास्क विच इज टू बी अकम्पलिश और जब हम टास्क की बात करते हैं तो उस टास्क के साथ नो डाउट रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यह सब कुछ भी जाहिर है शामिल हाल होगा वेन यू टॉक अबाउट टास्क नीड्स तो याद रखिएगा कि हर एक एजेंडा के लिए पीपल आर टूगेदर लोग किसी ना किसी मकसद के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है अब वो मकसद एक खेल का मैदान भी हो सकता है वहां पर कुछ जवाबत भी हो सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं पॉलिसीज हो सकती हैं प्रोसीजर्स हो सकते हैं कुछ प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली हमें मूव करना है जैसा कि खेल का मैदान जिसमें कि एक टीम फॉर्मेशन उसके कुछ बुनियादी असूल हैं, जिसके तहत वो टीम वहां पर अपना खेल वो पेश करेगी और उसका मकसद होगा कि उन्हें कोशिश करनी है अपने ओपोनेंट को सुपरसीड करने की उनसे जीतने की सो so, इस मकसद के अंदर अब हमें बहुत टेक्निकली और टिपिकली एक लीडरशिप रोल को वो देखना पड़ेगा कि कैप्टन ऑफ द टीम इज देयर टू लीड द पीपल सेम इज द केस सपोज यू हैव गॉन फॉर माउंटेनियरिंग अब माउंटेनियरिंग के केस में कोई जीत और हार का शायद मकसद ना हो हो सकता है कि आपके अपने शौक की डेमोन्स्ट्रेशन हो लेकिन वहां पर भी हमें यह देखना होगा कि किस तरीके से एक लीडर अपने रोल्स को परफॉर्म करता है अब माउंटेनियरिंग के के केस में याद रखिएगा कि उस केस में भी एक टीम एफर्ट वो इन्वॉल्व होगी चाहे कि उसमें हार और जीत का मसला ना हो एक दूसरे को सपोर्ट करना मकसद होगा एक दूसरे की जान बचानी मकसद होगा एक दूसरे को एनर्जाइज करने की जरूरत होगी कि वो लोग बेहतर तौर पर अपने शौक को पाए तक मील तक वो पहुंचा सकें इसी तरह बेशुमार ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं देर कैन बी सो मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ के जिसमें लीडर का रोल वो आप इग्नोर नहीं कर सकते खेल के मैदान से लेकर माउंटेनियरिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर लें आप एक घर की बात कर लें आप माशरे की बात कर लें आप एक हकूमत की बात कर लें सो एवरीवेयर देर आर सर्टन टास्क टू बी परफॉर्म्ड एन एवरी वेयर समटाइम्स ऑनली इंडिविजुअल माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैम एलोन देअ उन सब के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन पैटर्नाइजेशन का होना वो जरूरी है अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक टास्क को प्रॉपरली डिफाइन और एलेबोरेट वो कर सकें हमें टास्क के कॉन्टेंट्स का पता हो हमें टास्क की इंपॉर्टेंस एंड प्रियोरिटी का पता हो और ये बात भी याद रखिएगा कि टास्क के हवाले से बाजोकात आपको इस बात का सामना भी करना पड़ेगा कि दैट टास्क अलोन कैन नॉट बी परफॉर्म बाई वन पर्सन सो तो एक ग्रुप की जरूरत है आपस में शेयरिंग की जरूरत है उस शेयरिंग के साथ ही हम बेहतर तौर एक काम को तकमील तक पहुंचा सकते हैं हम मंजिल को पा सकते हैं सो तो शेयरिंग आपस में डिस्कशन आपस में एक दूसरे को एनर्जाइज करना मोटिवेट करना इन तमाम चीजों की जरूरत एक टास्क से रिलेटेड फिन में वो होगी सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग विच यू नी टू अंडरस्टैंड इज बेसिकली टाइम्स एक काम को जल्दी करना भी मकसूद होता है सम टाइम्स प्रेशर इज बिल्डिंग अप जिसके तहत हमें अर्जेंसी उसका सामना करना पड़ेगा हमें प्रायोरिटी का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी होगा कि एक से ज्यादा शख्स उस काम को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके कंट्रीब्यूशन के साथ वो लेकर चले टास्क आपस में डिवाइड किया जाए और हर शख्स अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज के मुताबिक अपना रोल वहां पर परफॉर्म पर वो कर सके डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो चीज है जिस मकसद के लिए आप वहां पर इकट्ठे हुए हैं सो so, टास्क को प्रोरिटाइज करना टास्क के कॉन्टेंट्स को समझना और फिर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना यही वो तरीका है जिससे कि हम बेहतर तौर अपने नतीजों को हासिल वो कर सकते हैं थैंक यू